नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। आज चंबा में जेबीटी धारकों द्वारा उपायुक्त चंबा कार्यालय के समक्ष जेबीटी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में से बीएड प्रशिक्षित अध्यापकों को बाहर करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक मांग पत्र भी भेजा गया ताकि उनकी भर्ती का लंबे समय से लटका हुआ परिणाम घोषित हो सके। पेश है इस संबंधी हमारे सहयोगी राजेंद्र ठाकुर की एक रिपोर्ट। मेरी आवाज तो दबा दो कम से कम। भाई हाथ भी खड़े करो ना, हाथ भी खड़े करो भाई। जेबीटी प्रशिक्षु जो भी है आज रैली निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। बीएड वालों को हमारे बीच में लाया गया है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बीएड के लिए अलग क्लासेस है और हमारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है जेबीटी की जो हम लोगों ने करी है और उसके बाद भी सरकार बैच में बैठ बिठाया जा रही है। या तो सरकार बैच बिठाना बंद कर दे और बीएड को जो हमारे बीच में लाया जा रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है। बीएड के लिए 6 to 8 है, हमारे लिए प्राइमरी क्लासेज है और हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे हक के साथ बिल्कुल भी शोषण हो। जेबीटी बैच 2015 सारा आज जो हमने ये जिला मुख्यालय में रैली निकाली है इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो जेबीटी से बीएड को बाहर करना है क्योंकि जो एनसीटी की 2018 की जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो वो बीएड को कुछ प्रावधानों के साथ जो जेबीटी कैडर में डाला सकता है डाला जा सकता है। लेकिन जो हिमाचल सरकार में स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है क्योंकि यहाँ पे जो 30-35 हज़ार जो जेबीटी ऑलरेडी है तो इसमें जो अगर बीएड को जेबीटी कैडर में डाला जाता है तो वो सारा सारा हमारे साथ अन्याय है। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जेबीटी के पक्ष में जो मजबूत पक्ष हाईकोर्ट में रखे ताकि जो वो जल्द से जल्द ही कोर्ट का फैसला आए और जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें नौकरी प्रदान हो और सभी जेबीटी को जो न्याय मिल सके।